नमस्कार। हम लोग यहाँ पे सभी स्थानिक लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, जिनका घर है। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले यहाँ का काम चालू हुआ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे जितने नागरिक मौजूद हैं आप उनको पूछ सकते हो कि यहाँ पे काम करने का ज़रूरत था क्या। फिर भी अगर यहाँ पर आप बोलते हो कि हमको रिनोवेशन करना है, ऊपर से वर्क ऑर्डर है, उन्होंने मेरे को वर्क ऑर्डर भी भेजा जिसमें वर्क ऑर्डर में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भगत सिंह चौक से लेकर नासिक वार्ड तक कॉन्क्रीटीकरण करना है। कॉन्क्रीटीकरण में गटर का, गटर को बड़ा करने का, छोटा करने का, ऊंचा करने का, नीचा करने का कोई क्लॉज उसमें लिखा हुआ नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका वर्क ऑर्डर बता रहा है। मैं आपको वर्क ऑर्डर भी बता देता हूँ। हमारा सिर्फ विरोध इस बात को है, हर साल बारिश में यहाँ से आप देख सकते हो कि पहाड़ का पानी इधर पे आता है। पहली बारिश में कचरा, मिट्टी, ये सब गाँव देवी से, पहाड़ से बहकर आता है, बाईपास जहाँ से बना हुआ है, और हर साल कुछ ना कुछ तकलीफ होता है। तो हमारे दुकान में वहाँ पे पानी भी जाता है, ये देख लीजिए, यहाँ से आप देखोगे तो हर दुकान नीचे है, हर दुकान में पानी जाता है। अभी जो रोड का ये काम हो रहा है, ये आपके हिसाब से क्या गलत तरीके से हो रहा है? गलत तरीके से हो रहा है, आप देख सकते हो रोड गलत कैसे हो रहा है। गलत तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, एक तो लोगों की दुकानें जो ऊपर थी 4 इंच 5 इंच उसको लेवल कर दिया गया है। दुकान में पानी जाने का बंदोबस्त बनाया है इन्होंने। सबसे पहला मेरी दुकान में तो खैर पहले से, मेरी दुकान ये वाली जो डॉक्टर की है वो तो मेरी दुकान है, वहाँ पे तो हर साल पानी जाता है, हम संभाल रहे। हमने फ्यूचर में सोचा था जब गटर या नाला बनेगा या रोड बनेगा तो उसको थोड़ा सा, आपका कहने का मतलब ये है कि रोड के ऊपर ही दूसरा, रोड के ऊपर ही 6 इंच का चढ़ा दिया गया। रोड को पहले खोद के उसको फिर से नीचे करके बनाना चाहिए। ये आए थे, इनको बोला गया था, हमने बोला था देखो ये ऑलरेडी बहुत चढ़ान है और जितने भी बुजुर्ग यहाँ रहते हैं ऊपर चढ़ नहीं पाते, उनको बहुत तकलीफ होती है, तो आपको अगर बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा खोदो उसके बाद बनाओ। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम नहीं खोदेंगे, पहले वो इस हाइट को 6 इंच लेने वाले थे। हम लोगों ने उनको इतना रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्लीज आप मत बढ़ाओ इसका हाइट, बट उन्होंने नहीं सुना। उनके जो बंदे हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनके साथ में प्लस मैंने उनको हर एक दुकान, हर एक गाने का दिखाया कि बॉस देखो ये जो पानी आएगा ना बारिश में, ये पूरा लोगों की दुकानों में जाएगा, बहुत तकलीफ होती है, बहुत, और बारिश में यहाँ लोग चल नहीं पाते। ऑलरेडी इन लोगों ने हाइट कर दिया, और इन लोग कितना भी आप इनको समझाएंगे ना, जो भी है वो इंजीनियर है कि भाई ये कर दो प्लीज ऐसा कर दो, वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। देखा जा रहा है काम चालू है वहाँ पे और कोई इंजीनियर यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। ये काम बस बनते ना हवे में काम चल रहा है, और जब मौजूद रहे तो बताएगा कि ये काम यहाँ करना है। और जब इस चीज का विरोध किया गया, यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर है वो शेणगे साहब है और बरोड़े साहब है, वो जब इधर पे आए थे तो मेरे पिताजी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरीके से आप स्लोप लीजिए ताकि हमारी दुकानों में पानी ना जाए, क्योंकि हम पहले से यहाँ पे रहवासी है, ये रोड धीरे धीरे ऊपर आते आते आज पूरा लेवल हो चुका है। तो मेरे पिताजी को ये लोग एक आम जनता को ये धमकी देते कि गोसावी साहब रहते तो तुमको घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, गोसावी साहब क्या गुंडा है क्या, वो डॉन है क्या मुमरा के, कि उनके नाम से आप धमका रहे हो? उसके बाद में जब उन्होंने बोला था आपका काम है ना खोदने का, मेरे पिताजी ने ऐसा उनसे सवाल किया, तो बोलते आप खोद कर दो, अगर जब हमको ही खोदना है, हम लोगों को यहाँ पे खोदना है तो आप हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, हम अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने गाले और दुकानों के सामने अपना रोड बना लेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। 25 लाख का काम है ये, वर्क ऑर्डर बता रहे हैं जिसमें नाला है ही नहीं। ये नाले को सिर्फ ऊपर का स्लैब हटाकर ऊपर से माल डाला हुआ है, सलिए भी सड़े नहीं थे उसके, ये मैं सलिए भी सड़े नहीं हुए थे। इस रोड पे कोई तकलीफ नहीं, अच्छा खासा रोड बनाया हुआ था, पूरा रोड पूरा गटर, कोई तकलीफ नहीं थी, किसी जरूरत ही नहीं थी, और किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि हमको रोड बना के दो, ये रोड चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही तोड़ा गया था, सब अच्छा है। जब इसको तोड़ा गया था तो उसमें जो सलिया लगी थी ना वो तक जंग नहीं खाई थी, और नाला भी एकदम क्लीन था। इन लोगों को इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन्होंने ये किया है, और अब जो जितने भी बुजुर्ग है ये कैसे चढ़ेंगे इतनी चढ़ान? हम रात को जब हमारे, और ये लोग पूरी रात काम किए, डिस्टर्ब किए, उनका मोटर चालू था, गाड़ी आ रही थी जा रही थी, ये लोग पूरा इतना शोर था कि आदमी सो नहीं सकता। मैं रात को जब घर पे आ रहा था तो मैंने इनको बताया भाई आप वहाँ तक ही काम करिए, उसके बाद में आप पहले इंजीनियर को बुलाइए, उसके बाद आगे काम करिए, आप हमसे मिलवाइए पहले इंजीनियर को। लेकिन उसके बाद में फिर भी ये लोगों ने काम चालू रखा। मैं रात को 4 बजे 3 बजे उठा के, ये बेचारे घर में, इनके घर में लेडीज हैं, ये लोग भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग काम रुका दो, तो एट द एंड हमको मजबूरन उनको यहाँ से हटाना पड़ा।
मजबूरन यहाँ से हटाना पड़ा। रात भर काम करने का परमिशन है क्या? रात भर काम करने का परमिशन नहीं। रात भर लोगों को परेशानी हो रही है सोने में, आने में, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, तो किसी से पूछ कर रहे कि हम रात के चार चार बजे तक काम करेंगे? एग्जाम का टाइम चल रहा है, स्कूल जाना है बच्चों को, हम रात में काम से थक कर आते हैं, कोई दुकान से थका हुआ होता है, आप रात को डिस्टर्ब कर रहे हो। और उस वक्त पुलिस का थी, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है भगत चौल में, दरअसल ये वो पूरा रोड है, ये पुराना रोड है, और जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये मांग थी कि इस रोड को जो है खोदा जाए, उसके बाद इस पर जो है काम किया जाए कॉन्क्रीटीकरण, लेकिन बिना खुदाई किए ये यहाँ पर बनाया गया। ये करीब रोड के ऊपर ही ये कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है, करीब 3-4 इंच जो है ये ऊपर हुआ है। कितने ऊपर हो गया है ये? ये देखिए, ये 6 इंच ऊपर चढ़ाया गया है, 5 से 6 इंच, ये 9 इंच ऊपर चढ़ाने का इन्होंने किया था। अभी देखिए आप यहाँ पे आइए, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो ये 6 इंच जो ऊपर चढ़ा है, अब ये भी गटर ये बनाएंगे, गटर बनाने के बाद में ये गली का जो लेवल है, अब यहाँ से पानी जाएगा, स्लोप है, अंदर लोगों के घर है, वहाँ गटर में पानी जाने का रास्ता ही नहीं है, जो टाकी का पानी आता है वही ठीक से नहीं जा पाता है कभी कभी नाले का, तो ये इतने भारी बारिश का पानी वो कैसे झेल पाएंगे, लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। नहीं, अभी कोई बंदी को बुलाकर अगर चेंबर खुलवा के दिखाएंगे ना तो जरा भी जाम नहीं होगा। नहीं जाम, अरे बारिश के आप देखो, आप ये देखो, ये जरा भी कहीं भी आपको कोई खड्डा दिख रहा है? अच्छा खासा रोड था ये, और अच्छा खासा गटर था, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे टूटा हुआ है वहाँ पे इन लोग काम ही नहीं कर रहे, ऊपर किया गया है। दरअसल इन लोगों के ऐसा कहना है कि यहाँ जो नाला ये गया हुआ, आप नाला देख रहे, ये नाला जो गया हुआ है रोड ऊपर करने की वजह से, ये जो रोड था इसे खोद कर फिर से इसके ऊपर जो है कॉन्क्रीटीकरण करना चाहिए था, लेकिन इसी के ऊपर जो है बिना कुछ खुदाई किए और इसी के ऊपर माल डाल के जो है ये 4-5 इंच ऊपर कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो दुकानें हैं उन दुकानों के बराबर ये आ जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश के वक्त जो है, जो ऊपर से जो नासिक वार्ड ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, उस तरफ से जो बारिश का पानी आता है तो यहाँ पर जो दुकानों में पानी भर जाता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और जो यहाँ के लोग हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अलग तरीके से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया हमारे साथ में। यहाँ पे इतनी आम, ये सब यहीं के स्थानिक लोग हैं, हम लोग, हमने किसी को ना ही धमकाया है, उल्टा हमको धमकाया जा रहा है, वो सभी सब के नाम से धमकाया जा रहा है। लोगों की जगह जो कंपनी अंडरवर्ल्ड की जगह म्युनिसिपैलिटी ने ले ली है, बस एक दूसरे को धमकाओ, आम पब्लिक को धमकाओ और काम करो, इसके नाम से धमकी दो कभी, वो सब के नाम से धमकी दो, म्युनिसिपैलिटी अभी भाव भाई है और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही।